हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ दीपाली पांडे एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन योर फेवरेट चैनल अभ्यास इंस्टीट्यूट। आज से हमारा मिशन है मिशन NCERT। तो भाई इस सीरीज़ में हम लोग सीखेंगे NCERT की सारी एक्सरसाइजेस को कैसे आंसर करना है। अगर कोई भी क्वेश्चन NCERT के किसी भी चैप्टर से आपके एग्ज़ाम में आता है देन यू मस्ट रेडी फॉर इट। एंड आप सभी को पता है कि NCERT कितनी इम्पॉर्टेंट है और आप सभी लोग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो और अगर ऐसे में आप NCERT क्वेश्चन नहीं करते हो देन यू आर इन बिग लॉस। तो शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 1 जो कि है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। आप लोग अपनी NCERT बुक अपने सामने रखिए, नोटबुक अपने सामने रखिए और आंसर्स को फटाफट से लिखते जाइए। तो भाई पहला क्वेश्चन मैं पढ़ रही हूँ जो कि पेज नंबर 6 पर दिया हुआ है बच्चों। एंड क्वेश्चन ये कहता है व्हाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर। तो इसका आंसर ये होना चाहिए कि भाई जब भी हम मैग्नीशियम रिबन को एयर की प्रेजेंस में छोड़ देते हैं, व्हेन वी कीप मैग्नीशियम रिबन इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, सो ग्रेजुअली मैग्नीशियम क्या करता है, ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है बिकॉज इट इज़ अ रिएक्टिव मेटल और फिर अपने ऊपर एक लेयर बना लेता है मैग्नीशियम ऑक्साइड की। सो होता क्या है कि वी हैव टू यूज सैंड पेपर ताकि वो जो लेयर है मैग्नीशियम ऑक्साइड की वो हम हटा सके और फिर मैग्नीशियम जो है आसानी से बर्न हो सके। सो इसका आंसर हम लोग यहां पर लिख देते हैं, आंसर नंबर 1 पेज नंबर 6 मैग्नीशियम इज अ रिएक्टिव मेटल व्हेन इट इज एक्सपोज्ड टू एयर ग्रेजुअली इट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन एंड फॉर्म्स अ लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड ऑन इट्स सरफेस। This layer prevents it further reaction with oxygen because this layer is quite stable, so by rubbing it with sandpaper this layer is removed so that magnesium can react with oxygen। ओके, ताकि कौन से रिएक्शन हो सके बच्चों, Mg प्लस O2 गिव्स आउट MgO और इसको बैलेंस कर लेंगे इस तरीके से, ठीक है। सो दिस विल बी द रिएक्शन व्हेन मैग्नीशियम विल बर्न विद ऑक्सीजन एंड देन द प्रोडक्ट विल बी मैग्नीशियम ऑक्साइड। और अगर हम मैग्नीशियम को एयर में ओपन रख देंगे तो मैग्नीशियम ग्रेजुअली मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्शन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर अपने सरफेस पर बना लेगा। तो जब हम उस मैग्नीशियम को बर्न करने के लिए लेकर के जाएंगे तो वो लेयर क्या हो जाएगी, वो दिक्कत करेगी उसके बर्न होने में, इसलिए सैंड पेपर से रब करके उस लेयर को हम हटा देंगे।
क्वेश्चन नंबर टू पेज नंबर सिक्स राइट द बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शंस. सो पहली जो रिएक्शन है वो हमें करनी है हाइड्रोजन और क्लोरीन की. सो भाई यहाँ पे हमने लिख दिया आंसर नंबर टू पेज नंबर सिक्स. हाइड्रोजन को हम लिखते हैं एस टू, क्लोरीन को हम लिखते हैं सी एल टू एंड प्रोडक्ट बन रहा है एस सी एल. इसमें हमें बैलेंस्ड रिएक्शन लिखनी है. तो बच्चों ये देखो हाइड्रोजन टू है, क्लोरीन टू है और इस साइड हाइड्रोजन वन है, इसलिए हमने इधर कर दिया टू से मल्टीप्लाई. नाउ दिस रिएक्शन इज बैलेंस्ड. इसका सेकेंड पार्ट जो है वो ये कहता है बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट. तो बेरियम क्लोराइड BaCl2, एल्यूमिनियम सल्फेट इज Al2SO4 होल थ्राइस गिव्स आउट बेरियम सल्फेट BaSO4 प्लस बनता है AlCl3. तो भाई बैलेंस करिए Ba1 Cl2, टू क्लोरीन है इधर, थ्री क्लोरीन है. तो भाई बैलेंस कर देते हैं, थ्री लगा देते हैं इधर, टू लगा देते हैं. अब क्लोरीन दोनों साइड बैलेंस हो गया, सिक्स एंड सिक्स, थ्री Ba है तो इधर थ्री लगा देते हैं. अब देखो दोनों साइड में बैलेंस है, यू कैन सी इट. नंबर थ्री रिएक्शन ऑफ सोडियम विद वाटर, Na प्लस वाटर क्या बनेगा यहाँ पर, Na प्लस वाटर. जब सोडियम जो है वाटर से रिएक्शन करेगा तब वो बनाएगा NaOH और प्लस निकलेगा हाइड्रोजन गैस. ठीक है, तो भाई सोडियम प्लस वाटर, सोडियम को जब भी हम वाटर में डिप करेंगे या फिर एमर्ज करेंगे तो भाई सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा प्लस हाइड्रोजन गैस निकलेगी. हाइड्रोजन गैस निकल रही है तो ये साइन लगाएंगे. यहाँ पर Na1 है, Na1 है, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 और 1 3 है, ऑक्सीजन कितना है 1 है. तो भाई यहाँ पर 2 लगा देते हैं, 2 लगाया हमने तो हाइड्रोजन 2 और 2 4 मिला. तो यहाँ पर भी 2 लगाना होगा, हाइड्रोजन हो गया 4, ऑक्सीजन हो गया 2, यहाँ भी ऑक्सीजन हो गया 2 और सोडियम हो गया 2, तो भाई 2 इधर भी लगा देते हैं. इस तरीके से ये रिएक्शन हो गई बैलेंस. नाउ नंबर थ्री क्वेश्चन क्या कहता है, राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन विद स्टेट सिंबल्स फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन. सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट इन वाटर रिएक्ट्स टू गिव इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट एंड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, यहीं पर मैं लिख रही हूँ आंसर नंबर थ्री. सो आंसर थ्री क्या कहते हैं, हमें लिखना है बेरियम क्लोराइड की रिएक्शन को हमें किसके साथ करना है, सोडियम सल्फेट के साथ करना है और इन सबके ना एक्वा सोल्यूशन लेने होंगे. सो वी कैन मेंशन समवेयर एक्वस, एक्वस मीन्स हमें वाटर में ये रिएक्शन को करवाना है. सो बेरियम सल्फेट बनेगा प्लस बनेगा क्या, सोडियम क्लोराइड. अब देखो बैलेंस करो, बेरियम वन है, बेरियम वन है, क्लोरीन टू है, क्लोरीन वन है, तो भाई टू लगा दो आगे से. सोडियम टू है, सोडियम टू हो गया. सल्फेट सल्फेट में सल्फर वन है, सल्फर वन है, ऑक्सीजन फोर है, ऑक्सीजन फोर है. सो ये रिएक्शन हो गई यहाँ पर बैलेंस. यहाँ पर हमें स्टेट सिंबल्स भी यूज़ करने हैं फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस. यहाँ पर जो PPT बन रहा है ना, वो PPT बन रहा है बेरियम सल्फेट का, तो PPT के लिए आप ये लगा दीजिए. ठीक है, नेक्स्ट सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन इन वाटर. ठीक है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड ये फर्स्ट पार्ट हो गया बच्चों, ये सेकेंड पार्ट हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन इन वाटर. वाटर ये हो गया सॉल्यूशन, रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन. सो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सॉल्यूशन हमें लेना है वाटर में. तो भाई क्या बन रहा है, टू प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन. तो ये बच्चों न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, इसमें कुछ ये बनता है. ठीक है, यहाँ पर एक्वा सॉल्यूशन ऑफ यही बनेगा. ठीक है, एंड ये क्या है, ये लिक्विड है. तो इस तरीके की रिएक्शन होगी. ठीक है, नाउ यहाँ पर हमारा ख़त्म होता है पेज नंबर सिक्स पर. जितनी भी एक्सरसाइजेस दी है वो सारी हमने कर ली हैं. चलिए पेजेस को टर्न करते हैं एंड पहुँच जाते हैं पेज नंबर 10 पर. ओके बच्चों, तो पेज नंबर 10 पर जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो ये है कि अ सॉल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस एक्स इज यूज फॉर वाइट वॉशिंग. नेम द सब्सटेंस एक्स एंड राइट इट्स फॉर्मूला. राइट द रिएक्शन ऑफ सब्सटेंस एक्स नेम्ड इन अबव विथ वाटर. सो बहुत ईजी है, हमें क्या करना है, वी हैव टू राइट आंसर. आंसर हमें लिखना है 1 का एंड पेज नंबर मैंने आपको बता दिया 10. सॉल्यूशन एक्स, भाई एक्स जो है वो वाइट वॉशिंग के लिए जो यूज़ होता है वो होता है CaO और इसका नाम होता है क्विक लाइम. दिस इज क्विक लाइम एंड व्हेन इट रिएक्ट्स विद वाटर, जब भी इसमें पानी घोला जाता है तो ये बनाता है CaOH का होल ट्वाइस और प्लस निकलती है क्या, हीट. ये है स्लेक्ड लाइम, इसका नाम है स्लेक्ड लाइम या फिर हम इसको कह सकते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी. ठीक है, तो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये
आप कॉम्बिनेशन रिएक्शन में भी लिख सकते हो, और इसमें ना ये जो कंटेनर होता है वो हॉट हो जाता है। अच्छा, नंबर टू, व्हाई इज द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब इन एक्टिविटी 1.7 डबल ऑफ द अमाउंट गैस कलेक्टेड इन वाटर। तो जो एक्टिविटी हमने की है 1.7 में, उसमें हमने वाटर की इलेक्ट्रोलाइसिस की है। तो एवरीबडी शुड नो कि भाई आंसर नंबर हम टू लिखने वाले हैं। जब भी हम वाटर की इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो भाई इसमें जो दो गैसेस हो रही थी कलेक्ट, एक टेस्ट ट्यूब वन में और दूसरी टेस्ट ट्यूब टू में, टेस्ट ट्यूब वन में जो हाइड्रोजन गैस हो रही थी वो डबल थी देन ऑक्सीजन गैस। तो होता क्या है बच्चों, देखो ऑलरेडी इन वाटर कंपाउंड हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अगर हम रेशियो देखें तो भाई ये क्या है, दिस इज 2:1। ऑलरेडी वाटर के मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है 2:1 में प्रेजेंट है। तो इसीलिए इन वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब जो गैस हाइड्रोजन गैस हो रही थी वो डबल थी देन ऑक्सीजन गैस। सो इसका आंसर आप लोग ये लिख सकते हो, ठीक है। सो अब हम पेज टर्न करेंगे एंड वी विल प्रोसीड टू नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज है पेज नंबर 13। पेज नंबर 13 पर ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो ये कहता है कि व्हाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंज व्हेन एन आयरन नेल इज डिप्ड इनटू इट। यानी कि हमें यहाँ पर रिएक्शन करानी है, दिस इज आंसर नंबर 1। हमें आयरन की रिएक्शन करवानी है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से। सो प्रोडक्ट बनता है Fe(SO4) प्लस बनता है कॉपर। अब एक्चुअली में होता क्या है बच्चों, इसका कलर जो होता है वो होता है ब्लू, एंड कलर चेंज हो जाता है किसमें, लाइट ग्रीन में, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि व्हाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंज। तो कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर जो था वो लाइट ग्रीन में चेंज हो चुका है क्योंकि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हुआ है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हैज टेकन प्लेस, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ने क्या किया है भाई, उसने कॉपर सल्फेट में से कॉपर को डिस्प्लेस किया है आयरन ने और खुद आयरन सल्फेट बना लिया, ठीक है। तो इसलिए उसका कलर जो है वो चेंज हो गया, ठीक है। नाउ आंसर नंबर 2 की तरफ को बढ़ेंगे। आंसर 2, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अदर देन द एक्टिविटी 1.10। एक्टिविटी 1.10 में हमने रिएक्शन कराई थी सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड की। तो इसके अलावा हम कुछ और सॉल्ट्स ले सकते हैं, जैसे हमने सॉल्ट ले लिया सोडियम सल्फेट की जगह आप सोडियम कार्बोनेट ले सकते हो, बेरियम क्लोराइड ही ले लो, सेम रिएक्शन होगी बच्चों। बेरियम देखो ये प्लस है ये माइनस है, ये प्लस है ये माइनस है, तो इसका जो प्लस है वो इसके माइनस के साथ जुड़ेगा, इसका जो प्लस है वो इसके माइनस के साथ जुड़ेगा। बेरियम की बैलेंस ही प्लस 2 होती है, कार्बोनेट की भी माइनस 2 होती है। तो भाई ये बनाएगा बेरियम कार्बोनेट, सोडियम की प्लस 1 होती है, क्लोरीन की भी माइनस 1 होती है, तो भाई आएगा NaCl। तो ये रिएक्शन हो गई। इसके अलावा आप जो है दूसरी रिएक्शन भी लिख सकते हो। देखो एक रिएक्शन आप ये लिख सकते हो, लेड नाइट्रेट की रिएक्शन पोटेशियम आयोडाइड के साथ कर दो, क्या बनता है PbI2 प्लस KNO3, है ना, पोटेशियम नाइट्रेट बन जाता था। NO3 2 है तो यहाँ 2 लगा दो, पोटेशियम इधर 2 हो गया तो इधर 2 लगा दो, I ऑलरेडी 2 है, लेड जो है वो क्या है ऑलरेडी सिंगल है, तो यहाँ पर लेड आयोडाइड। यहाँ पे आपको कलर चेंज भी देखने के लिए मिलता है, यहाँ पे येलो कलर का PPT मिलता है, ठीक है। तो कोई भी रिएक्शन लिख दो, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आपके पास जो बुक दे रखी है उसमें जो भी रिएक्शन दिया है वो लिखना, नहीं, आपको जो रिएक्शन दिमाग में आ रही है और जो रिएक्शन क्वेश्चन से रिलेटेड है वही लिखनी है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है लेड आयोडाइड बनता है, येलो PPT देखने के लिए मिलता है, ऊपर जो है बेरियम कार्बोनेट का PPT वाइट कलर का मिलता है, ठीक है। तो PPT अगर कहीं है तो हम ऐसे एरो भी लगा सकते हैं। नाउ हमें क्वेश्चन नंबर 3 को करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चों आपको जो है 2 रिएक्शंस दे रखी हैं, जैसे पहली रिएक्शन आपके लिए लिखी है, दिस इज आंसर नंबर 3। पहली रिएक्शन में आपकी सोडियम की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करवाई हुई है एंड Na2O बन रहा है जिसमें, ठीक है। दूसरी क्वेश्चन में, दूसरी में आपको CuO प्लस H2 दिया है जिसमें Cu प्लस H2O दे रखा है। नाउ इन दोनों रिएक्शन में आपसे पूछा गया है कि कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस हो रहा है। तो देखो सोडियम पहले ऑक्सीजन के बिना था, रिएक्शन के बाद उसमें क्या हो गया, ऑक्सीजन ऐड हो गया। तो भाई सोडियम में ऑक्सीजन एडिशन हो रहा है तो भाई सोडियम क्या हो गया, ऑक्सीडाइज्ड,
ठीक है। नाउ यहाँ पर देखो CuO जो था वो ऑक्सीजन के साथ था और जिसमें से वो Cu में चेंज हुआ इसका मतलब माइनस ऑक्सीजन हुआ और यहाँ पर CuO क्या हो गया, रिड्यूस्ड। तो भाई ऑक्सीडाइज्ड कौन हो रहा है, Na हो रहा है यहाँ पर ऑक्सीडाइज्ड, ठीक है। और यहाँ पर CuO क्या हो रहा है, यहाँ पर रिड्यूस्ड, ठीक है। यहाँ पे पहला चीज़ तो हमने ये देखी। अब दूसरी चीज़ देखिए, यहाँ पर S2 जो था वो क्या था, वो विदाउट ऑक्सीजन था, बट S2 में क्या हो गया, ऑक्सीजन ऐड हो गई, है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, S2 क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज्ड। तो भाई S2 क्या हो रहा है यहाँ पर, ऑक्सीडाइज्ड। सो दिस कैन बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आंसर नंबर 3 में ये दिया हुआ है कि इन दोनों रिएक्शंस में से कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है और कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस हो रहा है। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहली जो रिएक्शन है उसमें सोडियम दे रखा है जिसमें ऑक्सीजन ऐड होकर के सोडियम ऑक्साइड बन रहा है। इस रिएक्शन को अगर हम बैलेंस करें सबसे पहले तो कुछ इस तरीके से बैलेंस हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर देखो सोडियम में ऑक्सीजन गेन हो रहा है, तो गेनिंग ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, यानी कि यहाँ पर भाई प्लस ऑक्सीजन हो रहा है तो यहाँ पर सोडियम क्या हो गया, ऑक्सीडाइज्ड। कौन हुआ ऑक्सीडाइज्ड, सोडियम। ऑक्सीजन क्या हो रहा है यहाँ पर, ऑक्सीजन हो रहा है रिड्यूस क्योंकि उसमें से ऑक्सीजन का हो रहा है लॉस। CuO किस में चेंज हो रहा है, Cu में, यानी कि माइनस ओ हुआ तो CuO क्या हो गया यहाँ पर, रिड्यूस्ड। हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हुआ, प्लस ओ हुआ तो हाइड्रोजन क्या हो गया, ऑक्सीडाइज्ड, ठीक है। तो यानी कि ऑक्सीडाइज्ड कौन कौन हुआ इन दोनों रिएक्शंस में, पहले Na और दूसरा H2, ठीक है, हाइड्रोजन। एंड रिड्यूस्ड कौन कौन हुआ है, रिड्यूस्ड हुआ है यहाँ पर ऑक्सीजन एंड रिड्यूस कौन हुआ है, CuO। सो दिस कैन बी योर आंसर। आ जाइए बच्चों चैप्टर एंड एक्सरसाइजेस में, पेज नंबर 14 पे पहला MCQ दे रखा है चैप्टर एंड एक्सरसाइजेस का, जो कि ये कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द रिएक्शन बिलो आर इनकरेक्ट। सो मेक श्योर जब भी हम किसी क्वेश्चन को करने जाते हैं तो हमारे दिमाग में ऑटोमेटिकली ये आता है यार करेक्ट ही पूछा होगा, बट यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा हुआ है। सो इनकरेक्ट में आपके पास क्वेश्चन मीन्स दिस इज आंसर नंबर 1 चैप्टर एंड एक्सरसाइजेस पेज नंबर 14 एंड ये दे रखा है PbO+C गिव्स आउट टू Pb+CO2। तो देखो इस रिएक्शन में कुछ ऑप्शंस दिए हैं। पहला ऑप्शन ये कह रहे हैं क्या, लेड इज़ गेटिंग रिड्यूस्ड। लेड तो है ही नहीं ना रिएक्टेंट्स में, तो लेड कैसे रिड्यूस हो सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए तो इनकरेक्ट है। कार्बन डाइऑक्साइड तो इस साइड है, कार्बन ऑक्सीडाइज हो रहा है, कार्बन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तभी वो CO2 बन रहा है, तो कार्बन ऑक्सीडाइज हो रहा है ना कि कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि नंबर 2 भी क्या है, रॉन्ग है। नंबर 3, कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, यस कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज क्योंकि कार्बन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो पॉइंट नंबर सी क्या है, करेक्ट है। डी पार्ट, लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, लेड ऑक्साइड में PbO मतलब ऑक्सीजन जुड़ा था जो कि किस में कन्वर्ट हो गया, Pb में, यानी कि यहाँ से लॉस ऑफ ऑक्सीजन हुआ तो लेड ऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है, सही बात है। तो इनकरेक्ट बताना है तो आपको कुछ ऑप्शंस दिए हैं, जैसे पहला ऑप्शन आपको दे रखा है A और B, दूसरा ऑप्शन आपको दे रखा है A और C, तीसरा ऑप्शन आपको दे रखा है A, B और C एंड चौथा ऑप्शन पूछ रहा है ऑल ऑफ द अबव। तो भाई इनकरेक्ट कौन से हैं, इनकरेक्ट तो ए और बी है ना, तो भाई आप टिक करोगे इस पर, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एक रिएक्शन दे रखी है जिसमें आयरन ऑक्साइड की रिएक्शन हो रही है, Fe2O3 की रिएक्शन हो रही है एल्यूमिनियम के साथ और बन रहा है Al2O3 और निकल रहा है आयरन, ठीक है। ये है हमारा आंसर नंबर 2। इसमें ये पूछा गया है कि दिस रिएक्शन इज एग्जांपल ऑफ व्हाट, क्या ये कंबशन रिएक्शन है, तो भाई कंबशन में तो दो रिएक्टेंट्स ऐड होते हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट बनता है, यहाँ तो नहीं हो रहा है ऐसा।
डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए दोनों सॉल्ट होने चाहिए, यहाँ तो एक मेटल है, नहीं है। तीसरा डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, नहीं, क्योंकि डिकम्पोजिशन में क्या होता है, एक सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक होता है, यहाँ ये भी नहीं हो रहा है। व्हाट डू यू से, क्या ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है? यस, क्योंकि यहाँ पर एक मेटल, एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को उसके कंपाउंड से क्या कर दे रहा है, डिस्प्लेस कर दे रहा है। सो यस, दिस इज व्हाट, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो आप यहां पे लिखोगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट हैपन्स व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन फिलिंग्स? टिक द करेक्ट आंसर। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, आंसर नंबर 3, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हम अगर उसमें आयरन फिलिंग्स ऐड कर दें, मतलब आयरन का पाउडर ऐड कर दें, तो Fe और Cl जुड़ जाएंगे और बनाएंगे FeCl2 और निकलेगी हाइड्रोजन गैस। तो दिस इज व्हाट, दिस इज आयरन, दिस इज व्हाट, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। बनेगा क्या, आयरन क्लोराइड और क्या बन रही है, हाइड्रोजन गैस। तो इस तरीके से आपको देखने के लिए मिलेगा। एंड दिस इज आर एग्जांपल ऑफ विच रिएक्शन, यहाँ पे क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो दिस इज व्हाट, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 4, ये कहता है राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन, व्हाई शुड केमिकल रिएक्शन बी बैलेंस्ड? तो जाहिर सी बात है, आपने पढ़ा होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। टू वेरीफाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, वी मस्ट बैलेंस केमिकल रिएक्शन। बच्चों, लेफ्ट साइड में रिएक्टेंट्स पे, राइट साइड में प्रोडक्ट्स में मास इक्वल रहना चाहिए। टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स, टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट शुड बी इक्वल। सेकेंडली, नंबर ऑफ एटम्स लेफ्ट साइड एंड नंबर ऑफ एटम्स राइट साइड क्या रहने चाहिए, बराबर। सो वी कैन राइट हियर व्हाट इज अ बैलेंस्ड, आंसर नंबर है हमारा ये, आंसर हो गया हमारा कौन सा, नंबर 4, व्हाट इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। सो इफ द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स, और व्हाट कैन यू से, और टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर इक्वल, द केमिकल रिएक्शन इज सेट टू बी बैलेंस्ड। समझ में ये बात, अच्छा हम करते क्यों हैं रिएक्शन को बैलेंस्ड, टू वेरीफाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसको पूरा कर देना है स्टेटमेंट को, कि टू वेरीफाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वी मस्ट बैलेंस अ केमिकल रिएक्शन। ओके, सो इसको नोट डाउन कर लो। हम लोग पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, पेज नंबर 15 पर, चैप्टर एंड एक्सरसाइजेस कर रहे हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 ये कहता है कि हमको ये जो स्टेटमेंट्स हैं उनको ट्रांसलेट करना है केमिकल इक्वेशंस में और फिर हमें उनको बैलेंस करना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो कि हम लिखेंगे आंसर नंबर फाइव का फर्स्ट पार्ट, हाइड्रोजन गैस कंबाइंस विद नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। हाइड्रोजन गैस है, नाइट्रोजन से कंबाइन हो रही है, बन क्या रहा है, अमोनिया। ये हमने इसको इक्वेशन में कन्वर्ट किया, नाउ बैलेंस करना है। दो नाइट्रोजन है तो भाई दो लगा दो, हाइड्रोजन 2, 3, 6, तो यहाँ पर 3 लगा दो, तो N2+3H2 गिव्स आउट अमोनिया। ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट,
हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न्स इन एयर. सो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न्स इन एयर क्या बना रही है? वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड. तो बैलेंस करिए, सल्फर कितने हैं? 1-1 है. हाइड्रोजन कितने हैं? 2-2 हैं. ऑक्सीजन की थोड़ा सा दिक्कत है तो 2 लगा दो इधर. ऑक्सीजन कितने हो गए? 2 and 2, 4. तो क्या हम 2 लगा देंगे? ठीक है, 2, 2 जा 4 हो गया. अब यहाँ पर सल्फर तो ऑलरेडी बैलेंस है बट हाइड्रोजन डिसबैलेंस हो गया. 2, 2 जा 4, 4 हाइड्रोजन एटम हो गए तो भाई 2 लगाएंगे. 2, 2 जा 4. नाउ यू कैन सी सल्फर डिसबैलेंस हो गया, 2 सल्फर हो गए. इधर सल्फर क्या है? 1 है तो भाई 2 लगा दो. ठीक है, तो 2, 2 जा 4 ऑक्सीजन ये हैं, 2 ऑक्सीजन ये, 6 ऑक्सीजन हो गए बट लेफ्ट हैंड साइड ओनली 2 ऑक्सीजन है. तो भाई 2 को हटाओ और 3 को लगाओ. आप चेक करो, 2, 2 जा 4 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, 2 सल्फर, 2 सल्फर, 3, 2 जा 6 ऑक्सीजन, 2 and 2, 2 जा 4, 6 ऑक्सीजन. तो रिएक्शन हो गई है बैलेंस. यहाँ पर अगली क्वेश्चन हमसे कहता है कि नंबर सी जो पार्ट है इसको ए लिख दो भाई, इसको बी लिख दो, इसको सी लिख दो. बेरियम क्लोराइड रिएक्ट्स विद एल्यूमिनियम सल्फेट. बेरियम क्लोराइड जब एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ रिएक्शन करेगा तो बनाएगा बेरियम सल्फेट प्लस बनाएगा एल्यूमिनियम क्लोराइड. ये हमने रिएक्शन लिख दी. यहाँ पर देखो, बेरियम 1 है, बेरियम 1 है, क्लोरीन 2 है, क्लोरीन 3 है. तो भाई क्या करें? 2 से इधर कर देते हैं, 3 से इधर कर देते हैं, क्लोरीन बैलेंस. बट बेरियम 3 हो गए, यहाँ पे तो 1 ही है तो क्या करें? 3 से कर देते हैं. एल्यूमिनियम देखो, चलो सबसे पहले 3 बेरियम हुए, 3 बेरियम हुए, क्लोरीन 3, 2 जा 6, 2, 3 जा 6. ठीक है, एल्यूमिनियम 1 है इधर, एल्यूमिनियम 2 है तो क्या करें? 2 लगा दें. 2 लगा दिया, एल्यूमिनियम 2 हो गया. सल्फेट कितना है ये? सल्फेट कितना हो गया? सल्फेट हो गया यहाँ पर 2, 3 जा 6. ठीक है, तो सल्फेट को कैसे बैलेंस करेंगे भाई? ओके, एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है बच्चों Al2SO4 होल थ्राइज. मैंने जल्दीबाजी में गलत लिख दिया, Al2SO4 होल थ्राइज होता है. इसको दोबारा से चेक करते हैं. 3 बेरियम 3 बेरियम, ठीक है, 3, 2 जा 6 क्लोरीन, 2, 3 जा 6 क्लोरीन, फाइन. एल्यूमिनियम 2 हो रहा है यहाँ पे, हमें 2 लगाने की यहाँ पर बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि एल्यूमिनियम 2 है और यहाँ भी एल्यूमिनियम 2 है. सल्फेट यहाँ पर बैलेंस है, चेक कर लो बैलेंस है. नंबर डी पे आ जाओ. पोटेशियम मेटल रिएक्ट्स विद वाटर. पोटेशियम जब वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो बनाता है KOH और बनाता है H2, जैसे हमने सोडियम की थी ना वैसे ही. अब देखो, पोटेशियम 1 है, पोटेशियम 1 है, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 और 1 3 है, तो भाई यहाँ 2 लगा दो. हाइड्रोजन अब E1 नंबर में बदल गया, हाइड्रोजन 4 हो गया तो भाई 2 लगा दो. 2, 1 जा, यहाँ पे 2 हो गया, बैलेंस हो गई रिएक्शन. नहीं अभी नहीं हो, यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा भाई. 2 पोटेशियम 2 पोटेशियम, ठीक है, 2, 2 जा 4, 4 हाइड्रोजन, 2 और 2, 4 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन. अब बैलेंस हो गई, चेक कर लो, लिख लो. ओके नाउ हम लोग पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर. बैलेंस करना है, सिर्फ बैलेंसिंग है, रिएक्शंस आर ऑलरेडी गिवन. सो आंसर नंबर 6 लिख रहे हैं. पहली हमको दे रखी है हाइड्रोजन नाइट्रेट एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. ठीक है, क्या बन रहा है यहाँ पर? कैल्शियम नाइट्रेट प्लस वाटर. ठीक है, ये हमें पहला पार्ट दे रखा है. मैं सारे पार्ट लिख देती हूँ पहले. NaOH दे रखा है, H2SO4 बनेगा क्या? Na2SO4 प्लस बनेगा H2O. नंबर 3 दे रखा है NaCl प्लस दे रखा है AgNO3 gives out NaNO3 plus AgCl. ओके बच्चों, इसको भी हम A, B, C and D आदतों में वही है. BaCl2 plus H2SO4 gives out BaSO4 plus HCl. सो क्वेश्चन नंबर 6 में हमें इन रिएक्शंस को बैलेंस करना है और इन रिएक्शंस को बैलेंस करने के लिए हम देख लेते हैं कि नंबर ऑफ एटम्स लेफ्ट साइड एंड राइट साइड इक्वल हैं या नहीं है. तो देखिए, यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन नॉट बैलेंस. चलो सबसे पहले मेटल देखते हैं, मेटल बैलेंस है या कैल्शियम बैलेंस है. नाइट्रोजन यहाँ पे 1 है, यहाँ पर नाइट्रोजन कितने हैं? 2 है, तो क्या हम यहाँ पे 2 लगा सकते हैं? हमने 2 लगाया, हाइड्रोजन हमारे बैलेंस हो गए, 2 हाइड्रोजन और ये 2 हाइड्रोजन हो गए बच्चों. ऑक्सीजन 3, 2 जा 6, 6 और 1 7, यहाँ देखते हैं 2,
एंड 2, 3, 6 तो भाई ऑक्सीजन हमारे बैलेंस नहीं हुए हैं तो क्या करें भाई, 2 लगा दिया 3, 2, 6, 6 + 2, 8 ईवन नंबर में हमारा ऑक्सीजन बदल गया है, यहाँ पर 2, 3, 6 और 2, 8 पर सही हो गया। हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हो रहे हैं, 4, और यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हो रहे हैं, 2 और 2, 4। कैल्शियम ऑलरेडी बैलेंस्ड है, नाइट्रोजन ऑलरेडी बैलेंस्ड है, ऑक्सीजन ऑल सब बैलेंस हो गया, रिएक्शन इज बैलेंस्ड। नाउ सोडियम 1 है, सोडियम 2 है, तो भाई क्या करो, 2 लगा दो, बैलेंस हो गया। नाउ ऑक्सीजन 2 है एंड 4, 6 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 4 और 1, 5 है, तो भाई 2 लगा दो, 6 हो गई। हाइड्रोजन चेक करो, 2 और 2, 4, यहाँ पर 2, 2 जा 4, बैलेंस हो गई है ना, तो सल्फर तो ऑलरेडी बैलेंस्ड है, तो ये रिएक्शन हो गई बैलेंस। नाउ चेक हियर, एन ए बैलेंस्ड है 1, 1, क्लोरीन बैलेंस्ड है 1, 1, सिल्वर बैलेंस्ड है 1, 1, नाइट्रोजन बैलेंस्ड है, ऑक्सीजन बैलेंस्ड है, दिस रिएक्शन इज ऑलरेडी बैलेंस्ड। बेरियम बैलेंस्ड है, क्लोरीन यहाँ पे 1 क्लोरीन है, तो भाई 2 लगा दो, 2 क्लोरीन बैलेंस हो गए। हाइड्रोजन टू है, सल्फर 1, ऑक्सीजन बैलेंस्ड, सो नाउ दीज ऑल रिएक्शंस आर बैलेंस्ड। क्वेश्चन नंबर 7, अगेन द सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन, वी हैव टू बैलेंस केमिकल रिएक्शंस, केमिकल इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। तो भाई 7th का फर्स्ट पार्ट, आंसर नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट हमको ये कहता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन हो रही है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन जब हो रही है कार्बन डाइऑक्साइड से, तो क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है और प्लस वाटर निकलता है, तो इसको बैलेंस करना है। देखो कैल्शियम बैलेंस है, ऑक्सीजन 2 है और 2, 4, यहाँ पर ऑक्सीजन 3 + 1, 4, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, तो दिस रिएक्शन इज ऑलरेडी बैलेंस्ड। ठीक है, नंबर इसका बी पार्ट देख लेते हैं, जिंक की रिएक्शन किससे हो रही है, सिल्वर नाइट्रेट से हो रही है, ZN प्लस AgNO3 क्या बन रहा है यहाँ पर हमारे पास, जिंक नाइट्रेट, तो जिंक नाइट्रेट होता है ZnNO3 का होल ट्वाइस, और प्लस क्या बन रहा है यहाँ पर, सिल्वर अलग से निकल रहा है। देखो बैलेंस ही देखो, ZN बैलेंस्ड है, नाइट्रेट के यहाँ पे मतलब नाइट्रोजन यहाँ पे 1 है, नाइट्रोजन यहाँ 2 है, तो यहाँ पे 2 लगा देते हैं, ऑक्सीजन 6 हो गया, ऑक्सीजन 6 हो गया, अब सिल्वर 2 है तो 2 लगा दो, ये सिल्वर हो गया, बैलेंस हो गई रिएक्शन। नंबर 3 देखते हैं, एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड बनता क्या है, एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस क्या बनेगा, कॉपर, तो भाई चेक करो, एल्यूमिनियम 1, क्लोरीन 3, क्लोरीन 2, तो 3 लगा दो उधर 2 लगा दो उधर, क्लोरीन बैलेंस हो गया, कॉपर 3 है तो 3 से यहाँ कर दो, ये कॉपर हमारा बैलेंस्ड हो गया। अच्छा एल्यूमिनियम रह गया है तो 2 लगा दो 2 लगा दो, ठीक है, नाउ द रिएक्शन इज बैलेंस्ड। डी पार्ट, बेरियम क्लोराइड प्लस H2SO4, सो बेरियम क्लोराइड प्लस H2SO4 क्या बनेगा, बेरियम सल्फेट प्लस क्या बनेगा, HCl, बेरियम 1 है बैलेंस है, क्लोराइड 2 है तो भाई यहाँ 2 लगा दो, 2 क्लोराइड तो बैलेंस हो गया, 2 HCl, सल्फेट, ठीक है, तो ये रिएक्शन बैलेंस हो गई, चेक कर लो ना, BA, ठीक है, क्लोरीन 2, हाइड्रोजन 2, सल्फेट 1, सल्फर 1, ऑक्सीजन 4, सो द रिएक्शन हो गई बैलेंस। आंसर नंबर 8 की बात करें तो पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे और उसमें ऐसा लिखा है कि बैलेंस केमिकल रिएक्शन इक्वेशन लिखनी है फॉर द फॉलोइंग एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन इन ईच केस। तो पहला हमारी जो रिएक्शन है वो है आंसर नंबर 8 का ए पार्ट, पोटेशियम ब्रोमाइड की रिएक्शन करनी है किससे, बेरियम आयोडाइड से, तो आई थिंक सो बनेगा पोटेशियम आयोडाइड प्लस बनेगा बेरियम ब्रोमाइड, किस टाइप की रिएक्शन है, और सबसे पहले देखो बैलेंस है या नहीं है, पोटेशियम 1, 1, ब्रोमीन नहीं है बैलेंस, तो भाई इधर नहीं, इधर लगा दो 2, अच्छा पोटेशियम 2 हो गया तो 2 लगा दो, बेरियम, ठीक है, आयोडीन 2, ठीक है, बैलेंस्ड है भाई, क्या क्या हो क्या रहा है इस रिएक्शन में, 2 सॉल्ट्स है ना, तो क्या हो रहा है यहाँ पे, डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, दिस इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके नाउ बी पार्ट, जिंक कार्बोनेट
को हीट करना है तो बनता है जिंक ऑक्साइड प्लस निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो हो गया रहा है यहाँ पे, क्या हो रहा है, एक सिंगल रिएक्टेंट था जो ब्रेक हो गया और बैलेंस है। बच्चों चेक कर लो, भले ही जेड एन वन है, सी वन है, ऑक्सीजन थ्री है, टू और वन थ्री है। तो भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, डिकम्पोजिशन हो रहा है, ठीक है। और बच्चों यहाँ पर ना आप एक चीज़ और भी लिख सकते हो, हीट हमने दी है ना, तो एंडोथर्मिक भी है, ठीक है, एंडोथर्मिक भी है ये रिएक्शन। ओके, सी पार्ट हमको क्या कहता है, हमें करना है हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिव्स आउट हाइड्रोजन क्लोराइड। तो भाई 2HCl, ये क्या हो रहा है, ये कॉम्बिनेशन हो रहा है, दोनों बैलेंस हो गई हैं, कॉम्बिनेशन हो रहा है। और इस रिएक्शन में ना हीट निकलती है, तो भाई एक्सोथर्मिक भी है ये। ठीक है, नाउ डी पार्ट देख लेते हैं क्या है। मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड Mg प्लस HCl क्या बनता है, MgCl2 प्लस क्या निकलता है, हाइड्रोजन गैस। देख लो बैलेंस है, Mg तो बैलेंस है भाई, क्लोरीन बैलेंस नहीं है, अब हो गया, हाइड्रोजन भी बैलेंस है। क्या हो रहा है, ये सिंगल रिएक्टेंट ने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस किया, तो क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई है। सो ये आप नोट डाउन कर लो बच्चों। आंसर नंबर 9 लिखेंगे, बट उससे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। व्हाट डज व्हाट वन मीन बाय एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस, गिव एग्जांपल। सो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती हैं, एक्सो मींस एग्जिट, थर्मिक मींस हीट, वो रिएक्शन जिसमें हीट लिबरेट होती है, हीट रिलीज होती है, ऐसी रिएक्शंस को हम एक्सोथर्मिक कहते हैं। बट उसका कंट्रेरी कर दो, उसका अपोजिट कर दो, वो रिएक्शन जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है, एंटर होती है, उनको हम एंडोथर्मिक कहते हैं, ठीक है। तो भाई आंसर लिख देते हैं, आंसर कौन सा वाला क्वेश्चन चल रहा है हमारा, 9। सो आंसर नंबर 9, द रिएक्शंस इन विच हीट इज रिलीज्ड इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप लिख सकते हो, जब हम क्विक लाइम में वाटर ऐड करते हैं तो बनता है CaOH का होल ट्वाइस प्लस क्या होती है, हीट रिलीज होती है। जैसे जब हम मीथेन का ऑक्सीडेशन करते हैं तब CO2 प्लस H2O प्लस हीट रिलीज होती है, ठीक है। तो ये वाली जो रिएक्शंस हैं ये एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हैं, एंड कॉम्बिनेशन जो रिएक्शंस होती हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आर आल्सो कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शंस भी कहते हैं, ठीक है। नाउ ऑन द अदर हैंड द रिएक्शन इन विच हीट is released is called endothermic reaction. ओके, सो फॉर एग्जाम्पल CaCO3 को जब हम हीट करते हैं तो हीट करने के लिए हमें हीट देनी पड़ती है, एंड देन इट ब्रेक्स, ठीक है। ZnCO3 को जब हम हीट देते हैं इट ब्रेक्स। लेड नाइट्रेट को जब हम हीट देते हैं देन इट गिव्स PbO प्लस NO2 प्लस O2। तो भाई डिकम्पोजिशन हो रहा है, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस जो होती हैं वो क्या होती हैं, दे आर एंडोथर्मिक रिएक्शंस। सो यू कैन राइट इट, डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है।
हो सकता है यहाँ पे कोई रिएक्शन बैलेंस ना हो, तो फिर आप उसको बैलेंस करके देख लीजिएगा, बट हेयर आई मीन टू टेल यू, सो आई हैव टोल्ड, नाउ यू कैन नोट डाउन दिस. सो आंसर नंबर 10 जो कि हमसे पूछा गया है कि व्हाई रेस्पिरेशन इज कॉल्ड एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन. ओके, व्हाई इज रेस्पिरेशन कंसीडर्ड एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, उसको पहले हम समझ लेते हैं, फिर मैंने बोर्ड पर भी लिखा हुआ है, यू कैन कॉपी दैट. उसमें ये समझिए कि जब हम डाइजेशन करते हैं, तो डाइजेशन में जो हमने फूड लिया है इन लार्ज मॉलिक्यूल्स, जो हमने इंजेशन प्रोसेस के थ्रू फूड को लिया हुआ है, वो डाइजेशन के बाद उस फूड को हम उसके लार्ज मॉलिक्यूल्स को वेरी वेरी स्मॉल मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन करते हैं ग्लूकोज की फॉर्म में, वो हमारी सेल्स में स्टोर हो जाता है. अब जब हम एस्पायर करते हैं, यानी कि हम ऑक्सीजन को इन कर रहे हैं, ऑक्सीजन को हम अंदर ले रहे हैं बॉडी में, वो ऑक्सीजन हमारी सेल्स में जाती है और फिर वो उस ग्लूकोज के साथ रिएक्शन करके उसको ब्रेक करती है. ब्रेक करने के बाद जो फाइनल प्रोडक्ट्स होते हैं वो होते हैं CO2, वाटर एंड एनर्जी. सो ये एनर्जी हमें चाहिए होती है टू परफॉर्म आवर वेरियस एक्टिविटीज, क्योंकि इस रिएक्शन में एनर्जी रिलीज हो रही है. सो दैट इज व्हाई द रेस्पिरेशन इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक प्रोसेस. बच्चों आप यहाँ से लिख सकते हो, एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू सपोर्ट लाइफ, एनर्जी इन आर बॉडी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फूड वी ईट, ड्यूरिंग डाइजेशन लार्ज मॉलिक्यूल्स ऑफ द फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस लाइक ग्लूकोज. अब जब हमने रेस्पायर किया तो ये जो ग्लूकोज है ये कंबाइन होता है ऑक्सीजन के साथ जो हमने ब्रीदिंग में लिया है, एंड देन इट प्रोड्यूस एनर्जी इन आर सेल्स. सो दिस इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन. ये रिएक्शन लिखेंगे ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन गिव्स आउट कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी. सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन. सो नोट डाउन कर लीजिए. आंसर नंबर 11 जो कि क्वेश्चन ये कहता है, व्हाई आर डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर द अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, राइट इक्वेशंस फॉर दोज रिएक्शंस. तो सिंपल सी बात है बच्चों, देखो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है. आंसर नंबर 11, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में एक प्रोडक्ट बनता है. कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या बनता है भाई, ए और बी माना दो रिएक्टेंट हैं, इन दोनों ने मिलकर के प्रोडक्ट बना दिया. अब होगा क्या, डिकम्पोजिशन रिएक्शन में उसका उल्टा कर दो. डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होगा कि भाई जो सी होगा ना वो ब्रेक हो जाएगा ए और बी में. तो भाई हीट दे दो, चाहे सनलाइट दे दो, चाहे क्या दे दो, इलेक्ट्रिसिटी दे दो. तो ये वाली प्रोसेस इस वाली प्रोसेस का जस्ट रिवर्स है. आप कह दो छोटे छोटे दो रिएक्टेंट ने मिलकर के बड़ा प्रोडक्ट बनाया, यहाँ पे एक बड़ा प्रोडक्ट था जो कि छोटे छोटे रिएक्टेंट्स में क्या हो गया, ब्रेक हो गया. एग्जाम्पल के तौर पर C+O2 गिव्स आउट CO2, Mg+O2 गिव्स आउट MgO, ठीक है, 2 Mg लगाओ यहाँ पे, 2 ये लगाओ, CaO+H2O गिव्स आउट CaOH का होल ट्वाइस प्लस हीट. तो ये सारे एग्जांपल्स आप लिख सकते हो कॉम्बिनेशन में. अपोजिट कर देते हैं भाई, इसके एग्जांपल्स देखते हैं. लेड नाइट्रेट को जब हम हीट देते हैं तो ब्रेक होता है PbO में, NO2 में और O2 में. कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं तो वो देता है CaO और CO2. इसके अलावा जब सिल्वर क्लोराइड को हम हीट करते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में तो मिलता है सिल्वर प्लस क्लोरीन. तो दीज एग्जांपल्स टेल्स अस कि जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है और जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है वो एक दूसरे का क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं. राइट दिस आंसर. सो क्वेश्चन नंबर 12 ये कहता है कि राइट वन इक्वेशन ईच फॉर डिकम्पोजिशन रिएक्शन वेयर द एनर्जी सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी. तो सिंपल सी बात है भाई, डिकम्पोजिशन रिएक्शन का हमें लिखना है एग्जांपल, और हमारा ये क्वेश्चन है कौन सा वाला, हमारा क्वेश्चन है 12. सो हमने लिख दिया आंसर नंबर 12. सो सबसे पहले देखते हैं कि एनर्जी जिसमें हम हीट की फॉर्म में सप्लाई कर रहे हैं, तो हीट दे दिया और ये बन गया, ठीक है. सेम वे आप जिंक कार्बोनेट का भी एग्जांपल दे सकते हो बच्चों, इसमें भी आप लिख सकते हो ZnO, ठीक है. और बार बार मैं बता रही हूँ, लेड नाइट्रेट का भी एग्जांपल दिया जा सकता है हीट के लिए, PbO, NO2 और O2, ठीक है. रिएक्शन को अगर बैलेंस करना चाहते हो तो 2 ये 2 लगा दो, अच्छा 2 और 2 4 और 6 हो गया है यहाँ पर, 3 2 6
और 12 हो रहा है तो यहाँ पर हम ले लेंगे 4NO2, क्योंकि नाइट्रोजन जो है ना 2 और 2 4 हो रहा है नाइट्रोजन, 4 2 8 8 प्लस 2 10 और 2, ये रिएक्शन हो गई हमारी बैलेंस। तो यहाँ पर एनर्जी किसकी सप्लाई फॉर्म में सप्लाई हो रही है, हीट की फॉर्म में। नेक्स्ट हमें लिखना है जहाँ पर एनर्जी सप्लाई हुई है इन दी फॉर्म ऑफ लाइट, तो लाइट के लिए आप सिल्वर क्लोराइड को हीट कर दो, ठीक है, लाइट के लिए, तो क्या बनेगा Ag plus Cl2, AgBr ले लो, सिल्वर ब्रोमाइड लोगे ना तब भी सेम रिएक्शन होगी Ag plus Br2, ठीक है, और ये दोनों रिएक्शन फोटॉन्स की प्रेजेंस में होंगी, मींस लाइट की प्रेजेंस में होगी, इसका कलर पहले वाइट होगा और फिर क्या हो जाएगा, ग्रे हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दे रखा है कि भाई इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में क्या क्या ब्रेकडाउन होता है, तो इलेक्ट्रिसिटी के लिए आप ले लो वाटर, वाटर की जब हम वो करते हैं क्या इलेक्ट्रोलाइसिस, तो क्या बनता है H2+O2 बनेगा, ठीक है, तो 2H2 और ये बन गया। इसके अलावा Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड को जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो क्या बनेगा एल्यूमिनियम और प्लस क्या बनेगा ऑक्सीजन, बैलेंस करो तो ज़रा, 3 इधर लगा दो, 2 इधर लगा दो, 2 3 6 तो 4 Al। तो इस तरीके से ये रिएक्शंस आप लिख सकते हो फॉर वॉट एज एन एग्जाम्पल ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जहाँ पर एनर्जी सप्लाई की जा रही है इन द फॉर्म ऑफ हीट, इन द फॉर्म ऑफ लाइट, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, नोट डाउन करो। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड राइट द रिएक्शन फॉर ईच। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, व्हेन अ हाई रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लो रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड द रिएक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एंड आंसर व्हेन अ हाई रिएक्टिव एलिमेंट displaces less reactive element from its compound, this is which reaction? Displacement reaction. This is एग्जाम्पल के तौर पर हम लिख सकते हैं, जैसे आयरन प्लस कॉपर सल्फेट गिव्स आउट आयरन सल्फेट प्लस कॉपर, ठीक है, तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ ना कॉपर प्लस आयरन सल्फेट, सो दिस रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि कॉपर आयरन से कम रिएक्टिव है, सो इट कैन नॉट डिस्प्लेस आयरन फ्रॉम इट्स सोल्यूशन, बट आयरन जो है कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, सो आयरन कैन डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स सोल्यूशन, ठीक है, सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। वेन एक्सचेंज ऑफ आयन्स टेक्स प्लेस इन अ रिएक्शन where two salts are combined, this is double displacement reaction. Okay, so example क्या लिखोगे, जैसे example ले लो आप सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड, तो क्या बनेगा, सोडियम प्लस है या माइनस है, ये प्लस है ये माइनस है, तो ये वाला प्लस इसके साथ यानी कि सोडियम क्लोराइड बना दिया, ये वाला माइनस इसके साथ तो क्या बना दिया बेरियम सल्फेट बना दिया, ठीक है, बैलेंस करेंगे तो ये लगा देंगे। इस रिएक्शन में प्रेसिपिटेट भी बनता है, तो इस रिएक्शन को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहते हैं, सो दिस इज़ योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, इन द रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर द रिकवरी ऑफ सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इन्वॉल्व डिस्प्लेसमेंट बाय कॉपर मेटल, राइट द रिएक्शन इन्वॉल्व। सो जब हम यहाँ पे लिख देते हैं आंसर नंबर है 14, तो हमें कॉपर की रिएक्शन करानी है सिल्वर नाइट्रेट से, ताकि
सिल्वर जो है वो डिस्प्लेस हो जाए, तो कॉपर जब नाइट्रेट से ज़्यादा रिएक्शन करेगा तो ये बनाएगा कॉपर नाइट्रेट और प्लस निकलेगा क्या, सिल्वर। ये कॉपर नाइट्रेट में यहाँ पर टू इसलिए आया है बच्चों क्योंकि कॉपर की वैलेंसी होती है प्लस टू, नाइट्रेट की वैलेंसी होती है माइनस वन। तो जब ये दोनों रिएक्शन करेंगे ना तो प्रोडक्ट बनेगा CuNO3 का होल ट्वाइस। सो व्हाट इज़ दिस, दिस इज़ कॉपर नाइट्रेट and that is what, that is silver। यहाँ पर answer number 15। so सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं question क्या है, what do you mean by a precipitation reaction, explain by giving examples। so examples पूछे हैं, तो example precipitation reaction क्या है भाई, if formation of salt or formation of प्रेसिपिटेट लिख देते हैं, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, व्हाट इज प्रेसिपिटेट हियर, प्रेसिपिटेट का मतलब होता है सॉलिड इन लिक्विड, ओके। इफ फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, रेजिड्यू भी कहते हैं, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट टेक्स प्लेस इन अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जनरली ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट reaction, this is called, what it is called, precipitation reaction। example के तौर पर we can write here, what can we write, lead nitrate plus potassium iodide gives out lead iodide plus potassium नाइट्रेट। यहाँ पर लेड आयोडाइड का येलो PPT मिलता है, ठीक है। वी कैन ऑल्सो राइट सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड गिव्स आउट सोडियम क्लोराइड प्लस बेरियम सल्फेट, इसका वाइट PPT देखने के लिए मिलता है, ठीक है। वी कैन ऑल्सो टेक, वी कैन टेक हियर बेरियम कार्बोनेट, ठीक है, प्लस सोडियम क्लोराइड। सो वी कैन राइट मोर एग्जांपल्स आल्सो, आई थिंक सो वी हैव डिस्कस्ड फ्यू अर्लियर, सो यू कैन डू दैट। क्वेश्चन नंबर 16 में हमें ये बोल रहे हैं कि एक्सप्लेन द फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन विद टू एग्जांपल्स ईच। सो ऑक्सीडेशन क्या होता है, एक ऐसी रिएक्शन जिसमें गेन ऑफ ऑक्सीजन होता है, मतलब एक ऐसी रिएक्शन जिसमें कोई भी रिएक्टेंट ऑक्सीजन को ऐड कर ले, सो वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाती है। उसकी एग्जाम्पल क्या है, आंसर नंबर हो गया ये हमारा 16। तो एग्जांपल के तौर पे हमने लिखा कि CO2 प्लस H2 गिव्स आउट H2O बन जाएगा और प्लस CO जो है वो बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, H2 में ऑक्सीजन क्या हो रही है, ऐड हो रही है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। C+O2 गिव्स आउट CO2, यहाँ पर भी C में ऑक्सीजन क्या हो गई, ऐड हो गई ना, तो यहाँ पर क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हुआ। रिडक्शन के दो एग्जांपल्स हमको लिखने हैं, दीज आर द टू एग्जांपल्स ऑफ ऑक्सीडेशन। अगर रिडक्शन के एग्जांपल लिखने हैं तो क्या हम लिख सकते हैं, CuO प्लस H2 गिव्स आउट Cu प्लस H2O, हो क्या रहा है, CuO से ऑक्सीजन का क्या हुआ, लॉस हुआ, है ना। तो यहाँ पर CuO का क्या हो गया, रिडक्शन देखने के लिए मिला, है ना। इसके अलावा ये वाली रिएक्शन भी अगर हम देखें यहाँ पर, तो इसको भी हम लिख सकते हैं भाई, क्या हो रहा है, CO2 प्लस H2 गिव्स आउट CO प्लस H2O, यहाँ से ऑक्सीजन की क्या हो गई भाई, कमी हो गई, तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर देखने के लिए मिला क्या, रिडक्शन। तो ये एग्जांपल्स हम लिख सकते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन में, आप लोग नोट डाउन करो। क्वेश्चन नंबर 16, अ शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट एक्स ऑन हीटिंग इन एयर बिकम्स ब्लैक इन एयर, नेम द एलिमेंट एक्स एंड द ब्लैक कलर कंपाउंड फॉर्म्ड। तो भाई एक सब्सटेंस है जिसको हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट कर रहे हैं, तो वो एक कंपाउंड बना रहा है जो कि ब्लैक कलर का है, तो भाई क्या बनेगा, कॉपर को अगर हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करें तो कॉपर ऑक्साइड बनता है जो कि ब्लैक कलर का दिखता है,
ठीक है। सो यहाँ पर भाई इस क्वेश्चन का आंसर हम लिख सकते हैं अ शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट। और यहाँ पे कॉपर होता है क्या भाई? कॉपर होता है ब्राउन कलर का। सो कॉपर ब्राउन कलर का है, उसमें जब हमने उसको हीट किया इन एयर, सो व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ एयर। तो उसने बनाया एक कंपाउंड जो कि ब्लैक कलर का है और हमें उसका नाम लिखना है। इसको एक्स बोला है और इसका नाम लिखना है। तो नाम क्या है इसका? कॉपर ऑक्साइड है ना, तो नाम लिख दो उसका। प्रॉब्लम क्या है? कॉपर ऑक्साइड, ठीक है, कॉपर टू ऑक्साइड लिख दो उसको। ओके, सो ये वाला हमारा आंसर था, आंसर नंबर 17। आ जाओ आंसर नंबर 18 हम यहीं पर निपटाएंगे। आंसर नंबर 18 पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। व्हाई डू वी अप्लाई पेंट ऑन आयरन आर्टिकल्स? सो भाई आयरन आर्टिकल्स को अगर हम एक्सपोज करते हैं एयर में तो वो क्या करते हैं? दे वेरी रिएक्टिव, दे रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर प्रेजेंट इन एयर। एंड व्हाट डू दे फॉर्म? दे फॉर्म आयरन ऑक्साइड विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड रस्ट। तो जो उनकी स्ट्रेंथ को डिक्रीज करती है, वो वीक पड़ जाते हैं, वो ख़राब होने लगते हैं एंड वो बहुत जल्दी यूज़लेस हो जाते हैं। तो इसीलिए हमें पेंट करना होता है आयरन आर्टिकल्स पे, ठीक है। तो मैं इसका आंसर नहीं लिख रही हूँ बच्चों, आपको मैं सिर्फ यहाँ पे रिएक्शन लिख देती हूँ, ठीक है। मैं थ्योरेटिकल नहीं लिख रही हूँ, आप लोग समझ गए हो। आयरन प्लस ऑक्सीजन प्लस XS2O। भाई आयरन ने किससे रिएक्शन करनी है? ऑक्सीजन से रिएक्शन करनी है। और ये क्या है? व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ मॉइस्चर, दिस इज़ ऑक्सीजन। तो भाई क्या बनाना है? Fe2O3.XS2। यहाँ पर हमने X क्यों लगाया? क्योंकि डिपेंड करता है कि कितना मॉइस्चर है हमारे एयर में। तो ये क्या बन गया? इसको हम बोलते हैं आयरन ऑक्साइड, और वी कैन से रस्ट, दिस इज आयरन, ठीक है। नाउ प्लीज नोट डाउन क्वेश्चन नंबर 19 सेज कि ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आर्टिकल्स आर फ्लस्ड विद नाइट्रोजन। भाई आपने देखा होगा चिप्स के पैकेट जब आप मार्केट से खरीदते हो, कुरकुरे खरीदते हो, या फिर कुछ भी जो पैक्ड होता है, दे आर सो फ्लफी, बट जैसे ही आप उनको ओपन करते हो यू गेट यार ये तो इतना सा ही निकला। तो होता क्या है कि उसके अंदर हम लोग फ्लश कर देते हैं नाइट्रोजन गैस। द रीज़न बिहाइंड इज़ कि भाई नाइट्रोजन गैस होती है इनर्ट गैस, नॉन रिएक्टिव गैस, वो फूड आर्टिकल के साथ रिएक्शन नहीं करती, जिसके कारण फूड आर्टिकल जो है वो ज़्यादा समय तक फ्रेश बना रहता है। सो आप यहाँ पे आंसर लिख सकते हो कि भाई नाइट्रोजन क्या लिखोगे? नाइट्रोजन इज़ नॉन रिएक्टिव गैस, नाइट्रोजन इज़ नाइट्रोजन डज नॉट रिएक्ट विथ फूड आर्टिकल, सो द टेस्ट एंड स्मेल ऑफ फूड आर्टिकल रिमेन सेम फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम टू अवॉइड रेंसिडिटी, दिस प्रोसेस इज डन, ठीक है। इसको लिख लेना। एंड नंबर 20, एक्सप्लेन द टर्म्स विद वन एग्जाम्पल ईच। कोरोजन, कोरोजन गैदर व्हेन मेटल सब्सटेंसेस आर लेफ्ट एक्सपोज टू एयर एंड मॉइस्चर फॉर लॉन्ग टाइम। व्हाट दे डू? दे रिएक्ट विद एयर एंड मॉइस्चर प्रेजेंट अराउंड देम ग्रेजुअली एंड देन दे फॉर्म अ लेयर ऑफ मेटल ऑक्साइड ओवर देयर सरफेस। जरूरी नहीं है आयरन ही कोरोजन करे, सिल्वर भी कर सकता है, कॉपर भी कर सकता है, ठीक है। तो मेटल्स की ये टेंडेंसी होती है, कोई जल्दी कोरोड करता है, कोई धीरे कोरोड करता है। नाउ इसको हमें इस पे टॉपिक लिखना है ना बच्चों। तो भाई टू अवॉइड कोरोजन कुछ प्रोसेस की जाती हैं, गैल्वनाइजेशन कर सकते हैं, पेंटिंग कर सकते हैं, ठीक है, और उसके ऊपर किसी और दूसरे मेटल की लेयर को चढ़ा सकते हैं। सो ये प्रोसेस करके हम जो हैं इनको ज़्यादा समय तक सेफ रख सकते हैं। रेंसिडिटी भी बच्चों ऑक्सीडेशन है, बट रेंसिडिटी क्या है? ऑक्सीडेशन ऑफ फूड है। कोरोजन क्या है? ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल है। रेंसिडिटी इज ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। व्हेन वी कीप फूड फॉर लॉन्गर टाइम, भाई आज मैंने अपने घर में पनीर बनाया, मैंने कुछ भी बनाया, मुझे बहुत टेस्टी लगा, मैं चाहती हूँ कि मैं इसको ज़्यादा समय तक रख करके खाऊं, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि वो फूड फ्रेश नहीं रहेगा फॉर लॉन्ग टाइम। वो क्या करेगा? ऑक्सीजन से धीरे 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 रिएक्शन करके अपने स्मेल को, अपने टेस्ट को चेंज कर लेगा, और कुछ समय के बाद वो फूड हमारे खाने लायक नहीं रहेगा। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेंसिडिटी। द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड इज कॉल्ड रेंसिडिटी, द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, ठीक है, वेन इट्स स्मेल एंड टेस्ट विल चेंज, सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेंसिडिटी। तो अवॉइड रेंसिडिटी कैसे करेंगे भाई? खाने को एयरटाइट कंटेनर में रखो, खाने को रेफ्रिजरेट करो, खाने को सॉल्ट सोल्यूशन, शुगर सोल्यूशन, चाशनी में रख दो, है ना, कुछ प्रिजर्वेटिव डाल दो, विनेगर डाल दो, तो इस तरीके से फूड ज़्यादा समय तक सेफ बना रहता है। सो दिस वॉज अ सोल्यूशन सीरीज एंड दिस वॉज अवर मिशन NCERT क्वेश्चन। आई होप यू आर सेटिस्फाइड विद द कंटेंट
प्रोवाइडेड बाय मी टुडे। बने रहिए वीडियो में, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।